दिवाली पर सिर्फ एक दिन या दो दिन देना काफी नहीं होता। दिवाली पर उस दिन को खास बनाने के लिए आपको बहुत सारे खास दिन अपने जीवन के देने होते हैं। दिवाली सिर्फ आप एक दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते। दिवाली के साथ जुड़ी होती हैं ढेर सारी सफाई, ढेर सारी खाने पीने की चीज़ें, ढेर सारा डेकोरेशन, और ये सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से, आपकी चीज़ों के हिसाब से तय होती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंकिता एंड आई होप यू डूइंग वेल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दिवाली के डेकोरेशन के बारे में। मैं किसी भी तरह की डेकोरेशन के मामले में एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जब भी दिवाली के डेकोरेशन की बात आती है तो लगता है कि बचपन की वो पुरानी चीज़ें याद आ गई। पुराने टाइम में मम्मी नई बेडशीट्स खरीदती थी, दिए नए लाए जाते थे, हर साल का एक रूटीन होता था, पटाखे, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या। लेकिन वो जो एक हवा होती है ना त्योहार की, वो नवरात्रि से ही स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन धीरे धीरे हम बड़े होते गए, बड़े होने के साथ साथ हम घर से दूर होते गए और बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई। लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो ये कि आपके पास जो भी लिमिटेड सोर्सेज हैं, जो भी सीमित साधन हैं, उसमें आप दिवाली को किस तरह से मना पाते हैं। जैसे कि मैं पिछले साल से मैं यहाँ पर हूँ, मैंने पिछले साल भी दिवाली यहाँ मनाई और इस साल भी दिवाली अनफॉर्चुनेटली मैं बिना घर वालों के हम यहाँ मना रहे हैं। यहाँ भी हमारी एक छोटी सी दुनिया हो गई है, एक फैमिली हो गई है, लेकिन फिर भी घर वालों की याद आपको हमेशा ही आती है। लेकिन मैंने सोचा कि जो भी हमारे पास में कहना चाहिए सोर्सेज हैं, उनसे दिवाली की थोड़ी बहुत तैयारी कर ली जाए। सो आज के वीडियो में मेरे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हैं, बट जो भी चीज़ें इस आगे के रूम को मैं डेकोरेट कर रही हूँ, अपने लिविंग रूम को, क्योंकि हम हमारे 24 घंटे में से ज़्यादातर समय इसी रूम में रहते हैं। यहीं अदिशी खेलती है, यहीं हम खाना खाते हैं, यहीं हम टीवी देखते हैं, यहीं बैठकर मैं तो इवन अपना काम भी सारा यहीं बैठ के करती हूँ, बातें हम यहीं बैठकर करते हैं, और घर से जब किसी का फ़ोन आता है तो भी हम उससे बात भी यहीं बैठ के करते हैं। सो ये वाला जो रूम है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला रूम है और हम तीनों के लिए बहुत स्पेशल है। तो मैंने सोचा कि इस रूम को दिवाली का टच दे दिया जाए, क्योंकि बस अब 8 दिन ही बचे दिवाली को, और इन 8 दिन में ज़रूरी है कि इस रूम में दिवाली की जो कहना चाहिए खुशबू आना या दिवाली का जो फील आना है वो स्टार्ट हो जाए। सो अब मैं इस इंट्रोडक्शन को ज़्यादा बड़ा नहीं करती हूँ और आज हम स्टार्ट करते हैं दिवाली की डेकोरेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। दिवाली की तैयारी शुरू होती है सफाई से। सो आगे के कमरे को मैं पूरा अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ, ताकि एक बार का जो बेसिक क्लीन सब कुछ करना है वो अच्छे से हो जाए, और उसके बाद जो भी हमें डेकोरेशन करना है वो इजीली हमारे सामने हो, कोई कचरा वचरा ना हो। तो मैंने यह सब कुछ क्लीन कर लिया है, और क्लीन करने के बाद सबसे पहले बारी आती है इस पूरी विंडो की। ये विंडो हमारे इस कमरे की जो कहना चाहिए ना एकदम जान है, और ये जो है ये बाहर दिखती है, जब नीचे से इसे कोई देखता है तो ये विंडो ही सबसे पहले दिखती है। और हमारा घर क्योंकि सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर है, तो उस पर से यहाँ से जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत आता है नीचे से। तो एकदम सामने ये फ्रंट वाला हिस्सा हमारे घर का दिखता है नीचे से। तो मैं यहाँ पर एक पूरी 200 बल्ब की एक सीरीज़ लेकर आई थी, जो कि आपने लास्ट व्लॉग में ज़रूर देखी होगी। तो मैंने सोचा है कि उस सीरीज़ को मैं लगाऊंगी इस पूरे विंडो ग्लास पे, क्योंकि ये जितना खूबसूरत लगेगा ना, जितना ये अंदर से खूबसूरत लगेगा, उतना ही ये बाहर से नीचे देखने पर भी लगेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हम सबसे टॉप फ्लोर पर रहते हैं, तो नीचे से दूर से भी ये पूरी जगह काफ़ी अच्छी लगेगी, और लगेगा कि यहाँ कोई इंडियन पक्के से रहता है जो दिवाली मना रहा है। तो मैं एकदम काम में लग गई हूँ, बार बार चेयर पे ऊपर चढ़ो, फिर ऊपर वाला लगाओ, फिर नीचे वाला बल्ब लगाओ, और ऐसे करके मैंने पूरा वायर पूरी विंडो पे अच्छी तरह से लगा दिया है, जो थोड़ी देर बाद जब थोड़ा अंधेरा हो जाएगा तो आपको अच्छे से दिखेगा। उसके बाद बारी आती है इस कॉर्नर की। इस कॉर्नर पर ये छोटा सा स्टूल है, जहाँ एक छोटा आर्टिफिशियल प्लांट बहुत दिनों से रखा हुआ है। सो मैंने सोचा क्यों ना इस जगह को भी थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ किया जाए। तो मैंने यहाँ पर एक और दूसरा आर्टिफिशियल प्लांट रखकर यहाँ दो प्लांट कर दिए, और इन दो प्लांट को और थोड़ी सी जान देने
के लिए इसमें लगा दी है एक छोटी सी सीरीज जो करीब 20 से 30 बल्ब वाली है, कोई बहुत ज़्यादा बल्ब नहीं है। बट क्या होता है, लाइट से ना एक नया लुक आ जाता है, उस जगह का एक अलग माहौल, एक अलग सुकून देती है वो जगह, तो मैंने उसे सेट कर दिया। उसके बाद बारी आती है इस कॉर्नर की, टीवी के बिल्कुल साइड में है। टीवी के नीचे के कैबिनेट में अदिशी के खिलौने हमेशा होते हैं, सो ये जगह ना हमेशा मैस पूरा रहता है, लेकिन मैंने कैसे भी मैनेज करके साइड की थोड़ी जगह क्लीन कर ली है। और यहाँ एक छोटे से स्टूल के ऊपर मैंने यहाँ पर रख दिया है रूम फ्रेशनर वाला जो मैं लेकर आई थी, कैंडल वाला वो, एक छोटी सी टोकनी और एक छोटू सा बोर्ड जो हमारे पास काफ़ी टाइम से है, और मैं इसे भी सजा रही हूँ सीरीज से। ये हमारी पिछले साल की पुरानी सीरीज है, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं थी, बट इतनी है कि यहाँ अच्छी तरह से इस वाले कॉर्नर को डेकोरेट कर ले। मेरा सीधा सा मन सिर्फ ये है कि ये इतनी जगह अच्छी तरह से डेकोरेट हो जाए, कोने कोने, सारे कोने घर के, ताकि लाइट जो है ना बिल्कुल फोकस हो और आप बीच में बैठकर पूरा लाइट एंजॉय कर पाए। तो फिलहाल में पहले मैंने क्या किया था, सिर्फ इतना ही डेकोरेट किया था, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मुझे इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करना चाहिए, तो नीचे भी मैंने एक दूसरी 20-30 बल्ब वाली सीरीज लगा दी और वो सेट हो गया। उसके बाद बारी आती है हमारे घर के तीसरे नंबर के कॉर्नर की, आई मीन कमरे के कॉर्नर की। तो यहाँ मैंने सिर्फ एक जो इंडोर प्लांट था वो रखकर उतनी जगह को सिर्फ कवर कर दिया। और अब बारी आती है सेंटर टेबल की। ये सेंटर टेबल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, इतना बड़ा ये आई थिंक नहीं दिख रहा है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, सोफे से बड़ा हमारा सेंटर टेबल है और पूरा ग्लास का है, तो काफ़ी खालीपन देता है। तो ये वॉज यहाँ पर पहले से लैंडलॉर्ड ने दिया हुआ था, जिसमें मैं कई बार रियल फ्लावर्स लगाती हूँ, पर यहाँ मैंने इसके अंदर लगाए हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स, और ये ऑरेंज कलर के, तो ऑरेंज कलर और गोल्ड कलर तो दिवाली पे खूबसूरत लगता ही है, और ये हमारे जो सोफ़ा सेट थे उनसे मैच भी हो रहा था, तो उसे मैंने बीच में लगा दिया। और मैंने यहाँ किया एक DIY, बहुत ही ईजी DIY, आपके पास कोई भी ग्लास का बाउल हो तो आप उसमें ही कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इन डंडियों की मदद से एक 6 पार्टीशन बनाने की कोशिश की और फिर उसमें डाला है पानी। आपको पानी ऊपर तक भरना है, एकदम नीचे थोड़ा नहीं रखना है, जहाँ तक वो डंडियाँ आ रही है वहाँ तक पानी रखना है, तो एक पार्टीशन बन जाएगा, और उसके बाद आप अपने पसंदीदा फ्लावर्स से एक प्रॉपर पार्टीशन बनाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। मैं बीच में इसमें कैंडल लगा रही हूँ, तो जब ये कैंडल जलेगी तो ये और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा और कलरफुल लगेगा। तो ये रेडी है, और ये दिवाली के दिन करना था, लेकिन आज मैं वीडियो बनाई थी तो मैंने सोचा क्यों ना आज कर दिया जाए। और अब बारी आती है ये थाली की। ये हमारे पास काफ़ी टाइम से लैंडलॉर्ड ने ही एक शोपीस तौर पे दिया हुआ है, जो डाइनिंग टेबल पे हमेशा रहता है, और इससे मैंने पेंट कर दिया। एक्रेलिक पेंट था मेरे पास, तो मैंने उसी से पेंट कर दिया, और उसके बाद मैंने ये वाली प्लेट अभी शॉपिंग की थी दिवाली पे, तो उस प्लेट को मैं इसमें जमा रही हूँ, और उसके बाद मैं इसके अंदर रख रही हूँ दिए। मैं दियों को पेंट करने में ज़्यादा विश्वास नहीं रखती, क्योंकि वो जो उनका एक्चुअल कलर है ना, वही मुझे पता नहीं क्यों खूबसूरत लगता है। सो ये दोनों भी पिछले साल के ही दिए हैं, तो उन्हें मैंने रख दिया है, और ये चार मुखी दिया फिलहाल के लिए मैंने यहाँ डेकोरेट कर दिया, लेकिन शायद दिवाली के दिन मैं इसे भगवान जी के पास रखूँगी। और एक वैनिला कैंडल रखी ताकि खुशबू अच्छी आए। और इस तरह से इस थाली को मैंने प्रॉपर रेडी कर दिया, जो भी पहले की चीज़ें थी उन्हें ही लेकर। और मैंने यहाँ पर एक कागज़ की बॉल रख दी थी, लेकिन बाद में मुझे ऐसा फील हुआ कि कागज़ की बॉल ना जगह भी घेर रही थी और सही लुक नहीं दे रही थी, तो फिर मैंने उस कागज़ की जो बॉल थी उसे मैंने फिर हटा दिया। और मेरे पास थोड़े से फ्लावर बचे थे, तो मैंने नॉर्मल ग्लास बॉटल में फ्लावर भी लगा दिए, तो ये जगह जो डाइनिंग टेबल के ऊपर की थी ये एकदम प्रॉपर खूबसूरत रेडी हो गई है।
जो रूम है वो बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट हो गया है, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसे के वैसे डेकोरेट हुआ है। और वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया कि मैंने किस तरह से किया और क्या, बस एक छोटा सा क्लिप बस और बना रही थी कि कहाँ क्या क्या है। सो डाइनिंग टेबल जो है पर जो है ये वाली थाली पूरी सजाई है, और ये जो लाइट्स थे ना ये लाना एकदम सफल हो गया। मुझे लग रहा था शायद मैं ज़्यादा ले आई हूँ, लेकिन पूरी विंडो पे आ गए और बहुत सुंदर लग रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज़ और कर दी जो अभी तक आपने शायद नहीं देखी, ध्यान नहीं दी होगी, ये रेड वाला कपड़ा फिलहाल मैंने बिछा दिया। इससे थोड़ा सा जो कहना चाहिए एथनिक लुक आ गया है, तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा इंडिया टच, इंडियन टच आ रहा है उसके ऊपर। जो ये पीछे वाली डलिया खाली है लेकिन मैं उसमें कुछ ना कुछ रखूंगी ज़रूर। और यहाँ तो जैसा था उसी टाइप का थोड़ा सा, बस यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा सीरीज कर दी है। और ये देखिए ये जो मैंने डाला था ना इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और नीचे ये जल रहा है और बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है, और ये पिघल गया एक्चुअली। तो इस तरह से ये पूरा घर बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने किया है तो मैं तो कहूँगी कि प्यारा लग रहा है, लेकिन आप ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हम चूँकि बाहर जो लोग रहते हैं उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती, इवन जो मेरा पिछला वाला व्लॉग था उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि रंगोली कहाँ मिली, क्योंकि नहीं मिलती है और ऐसी एथनिक चीज़ें नहीं मिलती हैं। हम साल दो साल में एक बार इंडिया जाते हैं और तब लाने के लिए इतना कुछ होता है कि हम इस तरह के जो कहना चाहिए कि एथनिक टाइप के सोफ़ा कवर के सेट या फिर टेबल क्लॉथ्स या इस तरह की चीज़ें नहीं ले सकते। और ऐसा नहीं है कि यहाँ मिलती नहीं है, लेकिन मैं भी फ्रेंकली अगर आपसे कहूँ तो वो इतना महंगा होता है कि इसमें हम तीन दिवाली के अलग अलग चीज़ें तीन दिवाली तक, तीन साल तक खरीद सकते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ें शॉपिंग करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चीज़ें यहाँ इकट्ठी करने से मुझे उसका कोई सेंस नहीं लगता। तो ठीक है, जो भी छोटी कम चीज़ों मिलती हैं आपको उसमें ही आप थोड़ा थोड़ा सा कलेक्ट करके कुछ बना सकते हो। तो आज आपने यही व्लॉग में देखा कि मैंने जो भी चीज़ें घर में थी या मैं जो थोड़ी बहुत कैंडल और ये सब लाई थी फ्लावर्स, सिर्फ उसी से मैंने कोशिश की करने की। मैंने कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं की, और मैंने ना तो बहुत सारी चीज़ें तामझाम खरीदा। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं ये, अगर कम सोर्सेज हैं जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, कम सोर्सेज में भी आप अपने रूम को अच्छा टच दे सकते हैं। तो इस तरह से पूरा घर अच्छे से डेकोरेट हो गया तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। अंदर भी सब कुछ ठीक ही है। आज सुबह से मैं कोशिश करी थी, लेकिन दिन में आज सनी डे हो गया था, लकीली वैसे आज के हिसाब से अनलकीली था, लेकिन लकीली आज सनी डे था तो ये सब चीज़ों का वो शो आ नहीं पा रहा था व्लॉग में। तो फिर मैंने सोचा मैं शाम को ये सब कुछ करूँगी। तो अभी डिनर विनर हो गया है और आज के व्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल एक नया व्लॉग आएगा और वो व्लॉग होगा आदिशि की हॉलोविन का और इस वीकेंड की प्लानिंग्स का। तो मैं पूरी कोशिश करी कि मैं हर दिन व्लॉग करूं, बट बहुत ज़्यादा ना कहना चाहिए टफ हो रहा है, बट जब तक मैनेजेबल है तब तक करती हूँ। नहीं होगा तो ठीक है, कोई इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ दिवाली की स्पेशल चीज़ों को लेकर हम कुछ ना कुछ व्लॉग कर पाए। तो आज के व्लॉग को करते यही ख़त्म। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, जो भी चीज़ें हों उनको एंजॉय कीजिए, और बस अपना ध्यान रखिए। नेक्स्ट व्लॉग में हम बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।